हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस, एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और अभी ठीक से उजाला हुआ नहीं है, तो सुबह 5:30 बजे अच्छा खासा उजाला हो जाता है। तो बस मैं सो करके उठ गई हूँ और सीधे आ गई हूँ अपने वॉशरूम में, और फ्रेश वगैरह जाने के बाद मैं यहाँ पर अपने फेस को अच्छे से वॉश कर रही हूँ। और सुबह सुबह मॉर्निंग में आँखों में पानी के साफ़ पानी के छींटे डाल करके ज़रूर धुलना चाहिए, उससे आँखों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और अगर हो सके तो 10 से 15 मिनट तक एक मग में पानी लेकर के आँखों को उसमें डिप करके रखना चाहिए, इससे भी आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर ब्रश वगैरह करने के बाद आ गई थी किचन में, और यहाँ पे मैं पानी अपने लिए गर्म कर रही हूँ। और एक ग्लास पानी गर्म करने के बाद मैं अपनी बालकनी में अपनी फेवरेट जगह में आकर के बैठ जाती हूँ और आराम से पानी पीती हूँ, बिल्कुल कूल माइंड से, और सुबह की फ्रेश एयर भी लेती हूँ। तो बस पानी पीने के बाद मैं घर पर ही थोड़ा सा वॉक करूँगी, क्योंकि आद्या बहुत छोटी है, अगर मैं वॉक करने चली जाती हूँ तो ये रोने लगती है। तो हस्बैंड वॉक करने गए हुए हैं और मैं अपना घर पर 10 से 15 मिनट की वॉक है, योगा है, जो कुछ भी मुझे करना होता है सुबह सुबह मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं एज़ यूज़ुअल अपने कामों में लग जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं अपने पूरे घर में झाड़ू लगाऊँगी, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा लगाऊँगी। तो अच्छी खासी मेरी मॉर्निंग की एक्सरसाइज हो जाती है, एंड एक हाउस वाइफ के लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज होती है। सुबह उठो, पूरे घर में झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, तो अपने आप ना फिज़िकल एक्टिविटीज़ होने लग। वगैरह लगाने के बाद मैं नीचे जा रही हूँ और फूल तोड़ कर के पूजा के लिए ले आऊँगी। तो पूजा के लिए फूल तोड़ कर ले आऊँगी, और इसके बाद फिर मैं अपना पोछा लगाऊँगी पूरे घर में। पूरे घर में पोछा लगाने के बाद फिर ही मेरा नहाना धोना होगा। और अगर मुझे सुबह थोड़ी सी जल्दबाजी रहती है तो मैं कपड़े वगैरह डिटर्जेंट में भिगो करके रख देती हूँ, और फिर जब मैं दोपहर में फ्री टाइम पाती हूँ तब मैं कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ। तो यही मेरा रूटीन होता है। और बस पोछा लगाते वक्त बैठकर अगर पोछा लगाओ ना तो काफ़ी फ़ायदे होते हैं इसके, और कुछ भी नहीं होता तो हमारी बॉडी जो वो थोड़ी सी स्ट्रेचबल होती है, एंड काफ़ी अच्छा रिलैक्स फील होता है। बहुत अच्छी फिज़िकल एक्टिविटीज़ है पोछा लगाना, तो इसलिए मैं अक्सर करके बैठ करके ही लगाती। टाइम और मैं आई हुई हूँ नीचे दीदी के यहाँ, और मैं भी तैयार हो गई हूँ। देख सकते हो आज मैंने येलो येलो वाली कुर्ती पहन ली है, क्योंकि और सुबह मैंने थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया था, उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और क्योंकि दो रीज़न हो गए, एक तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो मैंने चार्जिंग में लगा दिया था, और उसके बाद का मैं कुछ भी नहीं शूट कर पाई। एंड फिर उसके बाद जब मेरा फ़ोन चार्ज हो गया तो दोपहर में इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है कि कुछ भी ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता, इवन कुछ भी करने का मन नहीं करता, घर का कोई भी काम, तो फिर ब्लॉग बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो आज कुछ ऐसा हो गया ना पूरे दिन में सुबह से मेरे साथ कि शुरुआत तो मैंने कर दी पर ख़त्म करने में सच बताऊँ नानी याद आने लगी। कुछ ऐसा ही हुआ, मतलब सुबह से काम तो चालू कर दिया लेकिन एंड करने का समय नहीं मिला। तो अभी बस शाम का टाइम हो रहा है और मैं थोड़ा सा तैयार हूँ, क्योंकि जा रही हूँ मंदिर, और साथी मिल गया, सो जा रही हूँ। तो आप लोग सोच रहे हो कि साथी कौन मिल गया है, तो साथी मेरी मौसी मिल गई हैं, और अचानक से मैंने उनको कॉल किया क्योंकि आज रुद्र का बर्थडे था। तो सबसे पहले मैं उसको विश कर देती हूँ, हैप्पी बर्थडे रुद्र। मैंने वैसे तो फ़ोन पे भी किया है बट वीडियो में भी कर दे रही हूँ। तो उसका आज बर्थडे था तो मौसी ने बोला कि उसको लेके जाना है मंदिर में, दर्शन कराना है, तो तुम भी रेडी हो जाओ अगर चलना है तो। फिर मैंने कहा चलो लगे हाथ, मैं भी माता रानी के दर्शन कराऊंगी, एंड गुरुजी से भी कुछ थोड़ी बहुत बातें करनी थी, तो मैंने सोचा दोनों काम एक साथ हो जाएंगे।
तो बस अभी तैयार हो गई हूँ। पहले हमारा और मौसी का प्लान बना कि हम लोग ऑटो ले लेते हैं या फिर रिक्शा से चले जाएंगे। फिर प्लान ये हुआ कि चलो अभी मौसा हमें ड्रॉप कर देंगे मंदिर तक, तो वो टेंशन ख़त्म हुई है। और आजकल ना पूरी तरह से जब तक सूर्य भगवान अस्त नहीं हो जाते तब तक कहीं निकलने लायक नहीं, इवन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और स्पेशली जब आपके साथ बच्चे हों तो बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो चलो फिर निकलती हूँ थोड़ी देर के बाद। सब लोग हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने, और सब ने पीला पीला सा पहन रखा है क्योंकि आज है थर्सडे, तो थर्सडे वाले दिन तो वैसे भी सब लोग पीला ही पहनते हैं और पहनना भी चाहिए। तो रुद्रांश को देख लीजिए, ये देखिए आज रुद्र एकदम छाया हुआ है येलो कुर्ता पहन करके। हमने पार्किंग में लगा दिया है और उसके बाद हम लोग पैदल गलियों से होकर सिद्धार्थी माता के मंदिर जा रहे हैं। और मेरी बड़ी वाली मौसी की बड़ी आस्था है सिद्धार्थी माता मंदिर में, और हमारी भी है, मेरी छोटी वाली मौसी की भी है, मेरी भी हो गई है। और बड़ी वाली मौसी ने तो इन्हीं गुरु जी से गुरु दक्षिणा भी ली हुई है, तो एक तरीके से उनके तो ये गुरु जी ही हुए और हम सब के भी हैं। अभी हमने गुरु दक्षिणा नहीं ली है लेकिन हम भी अपना गुरु ही मानते हैं इनको। और बस यहाँ पर हम लोग आ गए हैं दर्शन करने, तो यहाँ पर देख सकते हो भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी हम आपको कराते हैं सिद्धार्थी मैया के दर्शन। तो देख सकते हैं सामने माँ की प्रतिमा रखी हुई है, तो रुद्र का आज है बर्थडे और वो गुरु जी को प्रणाम कर रहा है, गुरु जी से आशीर्वाद ले रहा है। तो ऐसे ही जब भी हमारी ज़िंदगी में कुछ भी खास दिन होता है, मतलब मेरी मौसी के यहाँ भी अगर कुछ खास दिन है, मेरे यहाँ भी कुछ खास दिन है, तो हम लोग ज़रूर सिद्धार्थी माता मंदिर जाते हैं। और सच बताऊं यहाँ आकर के ना बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। और मंदिर में हम अगर घंटे दो घंटे बैठ गए ना तो मतलब टाइम का तो पता ही नहीं चलता। जब भी हम मंदिर जाते हैं 3 से 4 घंटे ज़रूर लग जाते हैं। तो आराम से यहाँ पर हम लोग दर्शन कर रहे हैं, मैं भी प्रसाद वगैरह चढ़ा रही हूँ, तो ऐसे ही होता है। और सामने भगवान भोलेनाथ की भी प्रतिमा है, इधर हनुमान जी की है, तो सारे देवी देवताओं के एक साथ दर्शन हमें यहाँ हो जाते हैं। तो चलिए हमने आपको भी दर्शन करा दिया है। और उसके बाद हम लोग आ गए थे रुद्र का बर्थडे सेलिब्रेट करने, तो यहाँ पर देख सकते हो बच्चे कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं और फास्ट फूड खाने के नाम पर इतना बच्चों को एक्स्ट्रा खुशी बढ़ जाती है। तो सब लोग हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी हमने ऑर्डर वगैरह कर दिया है और बनकर आने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, टोकन लेकर के लोग सारी चीज़ें ऑर्डर करवा रहे हैं। तो अभी सबसे पहले हमने यहाँ पर मोमोज मंगाया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ का हर चीज़। और सच बताऊँ मैं तो फर्स्ट टाइम खा रही हूँ, मौसी लोग कई बारी यहाँ पर खा चुके हैं, तो मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है। और आई थिंक सच में मौसी सही कह रही थी, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही यम्मी वाला यहाँ का फास्ट फूड है। और मौसी हंस इसलिए रही हैं क्योंकि मोमोज की प्लेट उन्होंने पकड़ रखी है, और मैं बोल रही हूँ कि मैं अपने वीडियो में यही बोल दूँगी कि सारे मोमोज ना मेरी मौसी ने खाए हैं, तो इसीलिए वो स्माइल कर रही हैं। और यहाँ पर परी ने चिली हनी पोटैटो ऑर्डर किया है, ये देखो, और इसका सच में ये टेस्टी तो है ही है लेकिन बहुत ही ज़्यादा तीखा है। और हम लोगों ने बर्गर मंगाया, वो भी परी की हालत पूरी ना एकदम ख़राब होने वाली है इसको खा के, देख सकते हो कैसे सी 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 कर रही है। तो बस ऐसे ही होता है। तो अभी मैं भी इसके साथ चिली हनी पोटैटो शेयर कर रही हूँ, और आद्या को थोड़ा सा खिलाया तो वो। लोग आए हैं लखनऊ स्ट्रीट फूड में, यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, जितना भी स्ट्रीट फूड है यहाँ पर सब कुछ मिलता है, तो काफ़ी अच्छा अच्छा यहाँ पर स्नैक्स है। तो बस हम लोग स्ट्रीट फूड का मज़ा ले रहे हैं, मैं हूँ, मौसी है, परी है, रुद्रांश है, मौसा जी हैं, एंड रुद्र का आज है बर्थडे। तो हम लोग यहीं पर भी पार्टी कर ले रहे हैं, घर में जाकर के फिर केक कट होएगा। तो ये देखो परी ने क्या ऑर्डर किया था तुमने, चिली हनी पोटैटो, और चिली हनी पोटैटो खा करके ना ये सी 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 वाली आवाज़ निकल रही है मुंह से ना परी के, और इसने सबके साथ शेयर किया थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो हम लोग भी थोड़ा थोड़ा सी 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 कर रहे हैं। एंड मौसी ने
सबके साथ थोड़ा थोड़ा खाया है, उन्होंने स्पेशली कुछ नहीं मंगाया था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सारे बच्चों को लगी हुई है प्यास, तो सारे लोग पानी पी रहे हैं। और ये काफ़ी अच्छा स्ट्रीट फूड है, यहाँ पे मिलता है, मतलब तो रोड के किनारे ही है, तो आराम से खुली हवा में खड़े होके खाने का मजा अलग है ना। तो गर्मी में हम लोग रुद्र का बर्थडे एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हेलो, ये देखो अमोली है, अमोली सबको हाय हाय कर रही है, हाय हाय नहीं हाय कर रही है, हाय हाय नहीं कर रही, हाय बस कर रही है, ठीक है। और मौसी अभी कुछ पैक करवा रही हूँ, ऑर्डर कर, मौसा जी के साथ शेयरिंग कर रही है ये भी मैंने वीडियो में कैप्चर कर ली एक प्लेट में शेयर कर रही है। अभी हम लोगों ने पूरा सैंडविच पिज्जा खाया ये मैं तो हमारे चाउमीन खा रहा है एरिया दिखा दो। और ये वृंदावन में है, सेक्टर ए है, सेक्टर 9 में है, स्ट्रीट फूड वाला लखनऊ स्ट्रीट फूड काफी अच्छा है। ये देखो रुद्रांश, सब लोग हैप्पी बर्थडे विश कर दो रुद्र को, हैप्पी बर्थडे, आज रुद्रांश का बर्थडे, थैंक यू बोलो सबको। और देखो आजा टीका उका लगा करके सबसे हाय बोल दो। अरे भगवान के माता रानी के दर्शन भी हो गए और हम लोगों ने रुद्र का बर्थडे भी यहाँ पर सेलिब्रेट कर लिया। तो अभी मैं सोच रही हूँ अपने वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता है आप लोगों के साथ शेयर करते करते। तो चलो एंड करते हैं वीडियो का, पसंद आया हो तो मेक श्योर लाइक करना मत भूलिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर न्यू है, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज आतिया फैमिली चैनल। बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।